सुनो, आज कुछ अलग बात करो ना। बताओ ना, क्या बात करूं? कुछ भी जो मुझे देख के याद आए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना सुनो। कभी अपने बीवी के फैसलों पर हंसा ना करो। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आप उन फैसलों में से एक हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद पे हंसोगे। नहीं, बात तो सही है। लड़का अगर मुंह धो ले तो इसका मतलब है अब उसने बाहर जाना है, कोई काम है। लेकिन अगर लड़की मुंह धो ले तो इसका मतलब अब उसने कहीं नहीं जाना, घर पर ही रहना है। हमारी वीडियो पर आया करो, यहाँ हंसाने का काम किया जाता है, फंसाने का नहीं। जो हमेशा हंसता रहता है उसको हंसमुख कहते हैं, और जिसका हंसना हमेशा के लिए बंद हो जाता है उसको हंसबैंड कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का स्वागत है आप सॉरी आपका स्वागत है आज के इस आलसी से ब्लॉग में। ठीक है, बाय, नींद आ रही, कल बनाएंगे। एक बार हाथ दिखाना जरा। अरे वाह, हाथ तो बड़े सुंदर हैं। थैंक यू बेबी। फिर खाना गंदा क्यों बनाती हो? अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर झगड़ा नहीं होता है तो समझ लो दोनों की सेटिंग बाहर चल रही है।